हेलो बच्चों, मैं दिनेश सर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पेज 45 एंड 46। आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ पेज 45 और 46, जिसमें डिवीजन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको मैं पढ़ा दूंगा और आज मैं चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें एक ऐसा पेज है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर्मेशन करना है, तो उसे मैं दो तीन चैप्टर पढ़ाने के बाद उसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मैं उसको पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आज हम लोग पेज 45 और 46 का हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ पहला इसका क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम्स का, अ पैकेट कैन होल्ड 185 ग्लासेस, हाउ मेनी पैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू पैक। It means एक पैकेट में 185 ग्लास रखा हो को अरेंज किया जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है, जिसमें 185 ग्लास है। तो पूछा जा रहा है कि 834,535 ग्लास को रखने के लिए नंबर ऑफ पैकेट्स क्या होगा, तो क्या निकालना है हम लोग को नंबर ऑफ पैकेट्स, तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 185 ग्लास नहीं, एक से ज्यादा ग्लास है तो ग्लासेज होगा। 185 ग्लासेज कैन होल्ड 185 ग्लास को ईगो पैकेट में अरेंज किया जा रहा है, तो वन ग्लास को बी छूट गया है, वन ग्लास को रखने के लिए नंबर ऑफ पैकेट्स तो 1/185 पैकेट्स। ओके बच्चे, therefore 834,535 glasses, 834,535 glasses को रखने के लिए number of packets निकालना है। तो बच्चे इसमें हम लोग divide कर देंगे 1/185 × 834,535, और 834,535 × 185। अब इसमें डिवाइड कर देंगे बच्चे, लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग को डिवाइड करना है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 834,535, यही है डिवाइड 185। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग डिवाइड करते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये क्या कैसे यह यूनिटरी मेथड से बनेगा, हम लोगों को काया वगैरह लैंग्वेज बेस्ड नहीं रहता, तो डायरेक्ट इतना में इतना से फ्रॉम 185 to 834,535 में डिवाइड कर देते डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा हमने लैंग्वेज बना दिया है, बहुत बच्चा देखो बच्चे इसका भी एक ट्रिक है कि इधर वाला साइड जो है राइट है, इधर वाले को लेफ्ट कहते हैं, तो इसमें तुमने देखा एक चीज देखा होगा ये राइट बाय लेफ्ट इनटू ए साइड में जो है, इसका हिंदी में इसका मैंने ट्रिक लाया है कि दाया
बटा बाया, ये बगल में आया, कटाया और जो आया आंसर वह पाया। इसका क्या है? दाया बटा बाया, बगल में आया, कटाया, आंसर पाया। तो ये हम लोगों ने अपने इसके लिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, या ओनली ओनली हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग किसको न्यूमरेटर बनाए, किसको डिनोमिनेटर बनाए, उसके लिए खुद से मैंने एक चीज तुम लोगों के लिए किया है कि बच्चे कैसे करेंगे। तो इसको आप लोग डिवाइड करेंगे बच्चे, प्यारे बच्चों आप डिवाइड जैसे ही करोगे प्यारे बच्चों तो ये आंसर आपका आ जाएगा। इसको नोट कीजिए। तो बच्चे इसको हम लोग डिवाइड किए, जरा देखे कैसे हम लोगों ने डिवाइड किया है। 185 से 3435 से पहले 4 क्या होगा, 185 को 4 से पहले 3 करके देखे तो बहुत ज्यादा कम आ रहा था, 5 क्या किया हमने तो 925 आ जा रहा था, इसलिए 4 क्या किए 740 आएगा। और डिवीजन में मैंने बताया था कि या तो इसके बराबर आना चाहिए या इससे थोड़ा सा कम आना चाहिए, बहुत कम नहीं चाहिए या ज्यादा भी नहीं आना चाहिए, इक्वल आ जाए तो ठीक है, थोड़ा सा कम आना चाहिए। 740 करेंगे, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 4, 30 में से 4 सबट्रैक्ट हुआ 9, 7 में से 7 गया 0, कट जाएगा। अब फिर यहां 5 जो है यहां लाएंगे इसको, अब इस 5 को यहां लाए तो 185 5 क्या किए तो 925 हुआ, फिर इसमें सबट्रैक्ट किए तो 820 आया, फिर इस 3 को जो है यहां ला दिया। अब बच्चे ये 185 पूजा करते तो 203 से भी ज्यादा आ जाता, 1000 करेंगे तो कम आ जा रहा है, तो 1000 किए ये इसमें से सब्जेक्ट किए, 30 में से 5 सब्जेक्ट हुआ 8, 9 में से 8 सब्जेक्ट हुआ 1, 1 में से 1 गया 0 हो गया, ये 5 हुआ। ये वाला 5 जो है यहां से इसको लाया, यहां पे 1000 किए लाया, यानी कि फाइनली डिवाइड करके हम लोगों के पास आया 4511। तो स्टूडेंट्स तुम लोग ऐसे ही इसको बना लोगे और अगला क्वेश्चन इतना आंसर हो जाएगा, इतना जो आएगा ये परफेक्ट होगा। क्या होगा? परफेक्ट। बच्चे ये पैकेट है, पूछा जा रहा था कि ये वो पैकेट में 185 क्लास आ रहा है तो 4535 क्लास को रखने के लिए कितना पैकेट का जरूरत पड़ेगा, तो 4511 पैकेट्स, यस लगेगा पैकेट्स चाहिए बच्चे। दूसरी बात है कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 225 वॉशिंग मशीन कितना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 वॉशिंग मशीन, इसमें भी डिवाइड कर लेंगे बच्चों। इसका भी मैं फॉर्मेट तैयार कर दे रहा हूं, डिवीजन तुम लोग खुद से कर लोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चे। और यहाँ पे इसका जो 2 है वो है कॉस्ट ऑफ 225 वॉशिंग मशीन, मशीन कितना दिया हुआ है 4, 3, 5, 4, 2, 6, 7, 5। इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 वॉशिंग मशीन इक्वल टू 4, 3, 5, 4, 2, 6, 7, 5 डिवाइड 2, 5। ये बच्चे तुम लोग डिवाइड करके देख लेना
जितना आंसर आ रहा है उतना जो है रुपीज में आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा वह आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा ऐसे बनेगा, थ्री भी बच्चे ऐसे ही है, 1,76,435 मीटर्स ऑफ वाटर पाइप इनटू बी पैक्ड इन बंडल्स। इतना मीटर वाटर पाइप जो है एक बंडल में पैक है। ईच बंडल कंटेन्स 355 मीटर्स पाइप, एक बंडल में 355 मीटर्स पाइप रखा जा रहा है। तो हाउ मेनी बंडल्स विल बी मेड एंड हाउ मच पाइप विल रिमेन अनपैक्ड। तो पहले तुम डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करके जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थ्री भी इसी तरह बनेगा, इसमें दो आंसर आएगा। उसके बाद फोर आया कि 2,415 ट्रैक्टर्स कैन कैरी इतना कितनी वेट, तो हाउ मच वेट कैन बी कैरी बाय वन ट्रैक्टर। तो लिखोगे कि 2,415 ट्रैक्टर, कैसे लिखोगे कि 2,415 ट्रैक्टर्स कैन कैरी ऐसे लिखोगे, मैं बता दे रहा हूं उसी तो बन जाएगा। फोर देख लो, ट्रैक्टर्स कैन कैरी 182,09,10 केजी वेट। 18,20,910 केजी, इतना ट्रैक्टर्स का वेट जो है इतना केजी, यानी कि ये कहा जा रहा है कि इतना ट्रैक्टर जो है इतना केजी वेट रख रहा है। तो ये वो ट्रैक्टर्स हुआ, वन ट्रैक्टर्स कैन कैरी 182 kg डिवाइड 2,415। फिर बच्चे इसमें डिवाइड कर लेना, जो आएगा आपका आंसर 182,09,10 kg। इसमें डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा ये वो ट्रैक्टर कितना वेट करता है, ठीक है। ये तुम्हारा फाइव भी डिवाइड है, सिक्स भी बच्चे डिवाइड है इसमें, और सेवन भी डिवाइड है, एट भी डिवाइड है, सब एक ही जैसा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, याद रखो। और ये तुम लोग बना लोगे, एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको करो। तो बच्चे एक और चीज है कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, यहां ये जो मैं बताने जा रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, कैसे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन का, कैसे जनरल क्वेश्चन को वर्ड में कैसे लिखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को लैंग्वेज में बनाएंगे, मान ली कैसे मल्टीप्लाई करके करा है, इसका मल्टीप्लीकेशन भी निकालिए और इसको वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले इसको अरेंज कर दीजिए और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर क्या होगा वो भी बताएंगे। तो बच्चे अगर हम लोग ऐसे कर ले या लिख ले द कॉस्ट ऑफ वन वॉशिंग मशीन कॉस्ट ऑफ वन वॉशिंग मशीन इक्वल टू 4,250 रुपीज, ज्यादा है या ज्यादा है और या कम है, इसका मतलब है कि जो कुछ भी आएगा कॉस्ट आएगा
अपना थिंकिंग ऑन थिंकिंग स्किल को बढ़ाने के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स का फॉर्मेशन है कि आपका थिंकिंग आप कितना सोच सकते हैं। अभी तो मेरे दिमाग में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव, तुम्हारा बैग का पैकेट, मैं किसी भी चीज में इसको बैठा दूंगा कि इतना पैकेट का, एक पैकेट एक बैग का पैकेट का कॉस्ट इतना है, 25 का कितना होगा, इतना वॉशिंग मशीन ये वॉशिंग मशीन का कॉस्ट इतना है, 25 का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसी में ऐड रहता तो लिख देते, जैसे इसको मैं पहले बता दूं तुम लोगों को, तो बताता हूं इसको, द कॉस्ट ऑफ वन वॉशिंग मशीन इक्वल टू इतना, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 25 वॉशिंग मशीन, तो 4250 4250 × 25 ये होगा इतना है, तो 25 का क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करने के कितने बचे। अच्छा अगर यही रहता सपोज दैट, तो इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने तुम लोग को आता है। एक मैं क्वेश्चन तुम लोग बता दो, मान लीजिए कि जैसे तुम्हारे बुक में दिया हुआ है 5 4 3 0 5 6, फिर 6 0 8 0 5 4 6 4 3 8 7 5। ओके बच्चे, अब इस बात पर आए कि ऐड करके निकालिए, ट्रेन सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। बच्चे को एक सिंपल वर्ड प्रॉब्लम के फ्रेम में सजाइए, जैसे मैंने इसको सजा दिया, ये क्वेश्चन है, यहां लिखा हुआ था कि मल्टीप्लाई एंड फ्रेम सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स, तो मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया कि नहीं, ये क्वेश्चन था कि फ्रेम प्रॉब्लम्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन इतना एंड आल्सो सॉल्व इट, मैंने इसको ऐसे सजा दें और उसके बाद सॉल्व कर दें। तो जो मल्टीप्लाई कर लेना बच्चे, मल्टीप्लाई में जो लोग इंटेलिजेंट हो गए हो, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना। अब है कि ये है, इसको भी वैसे ही कर लेना, तो जरा बताओ कि हम लिख सकते हैं कि नहीं, कि द पॉपुलेशन ऑफ मोतिहारी सिटी इक्वल टू इतना एंड द पॉपुलेशन ऑफ पटना सिटी इक्वल टू इतना एंड पॉपुलेशन ऑफ दरभंगा सिटी इक्वल टू इतना, ऐसे लिख करके इसको एंटर, नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन कर सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए कि जैसे ये रहता अगर इस तरह से 999 ऐसे लिखा हुआ है, 1000000 माइनस करना है, इसको भी कह रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम्स के फ्रेम में इसको सजा दीजिए और सजा करके इसको सॉल्व कीजिए और आंसर सॉल्व कीजिए, ऐसे रहेगा। जरा बताओ 1 2 3 4 5 6 7 द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इतना लिखेंगे एंड द स्मॉलेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इक्वल टू इतना एंड फाइंड द डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे कितने बच्चे बताओ तो जरा। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इक्वल टू 7 9 होता है कि नहीं, 4 5 6 7 द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इक्वल टू इतना, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इक्वल टू 1 6
जीरो थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, स्मॉलेस्ट सेवेंटीन नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर सेवेंटीन नंबर। आप इसमें दिखा दिया माइनस भी करना है, तो डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस कितना हो जाएगा? नहीं, अब इसको माइनस करने के बच्चे नाइन में से जीरो सब्जेक्ट होगा उतना ही रहेगा, तो ऐसे ही आते जाएगा, नाइन से वन सब्जेक्ट हुआ एट हो गया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एट और सिक्स नाइन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर इक्वल टू कितना, ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर कितना, माइनस किया है तो हम लोग डिफरेंस इसका निकाल देंगे और वही इसका आंसर हो जाएगा बच्चे। तो अपने से ऑन अपने थिंकिंग से ऑन थिंकिंग स्किल को बढ़ाता है, मैथ तो पहले ही है कि तुम्हारे सोचने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, यही बताता है कि आप कितना सोच सकते हैं, कितना आपका थिंकिंग स्किल जो है हाई है, मैथ रीजनिंग यही बताता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देंगे, इसी तरह डिवाइड आएगा तो आप, मैंने पीछे वर्ड प्रोनाउंस बता दिया, उस तरह से आप सजा करके बना सकते हैं, और सारा क्वेश्चन मैं सब कर दूंगा ना, तो आपके लिए क्या रहेगा जरा बताइए, आपके लिए तो कुछ रहेगा ही नहीं, आप चाहे तो उसमें मैंने नंबर दिया है, आप चाहे कोई ऐसा क्वेश्चन है बनाएंगे तो फंसेगा, कोई ऐसा भी क्वेश्चन होता है बच्चों कि नहीं बनता है हम लोगों से, तो हम लोगों से अगर नहीं बनता है, जो किससे नहीं बनता है, जो बनाता है उसी से, तो आप मेहनत करें घर के बनाए, फोन से पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन फंस गया है, ये नहीं आ रहा है हमको, या मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं समझ में आया, जरूरी नहीं कि 100% लोगों को समझ में आ जाए, वैसे मैं इतना तक समझा देता हूँ, इतना बता देता हूँ कि आपको निश्चित है कि समझ में आ जाएगा। तो बच्चे आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देंगे, और आप क्या करेंगे मैं बता देता हूँ, फिर 45-46 होमवर्क में रहेगा, पेज 45, 46, 47 ये आप बना लेंगे, और बना करके फेयर जरूर करें कॉपी का, मैथ्स का फेयर बनाएं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए स्पेस छोड़ें, मेरे से फोन करके डिस्कस करें, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से भी मेहनत करें, बस आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों, थैंक यू।